बस थोड़े 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 थोड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कायरोक्रैक्स में, जहां पर आपको मिलेंगे दुनिया के सबसे बेहतरीन कायरोप्रैक्टिशनर्स और उनके द्वारा किए गए ट्रीटमेंट। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल को बनाने का मकसद एजुकेशन और एंटरटेनमेंट है, तो आप इनमें से किसी भी ट्रिक को अपने आप करने की कोशिश ना करें। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हरीश ग्रोवर। यहाँ पे पेन हो रही है हल्का सा, यहाँ पे यहाँ खिंच रहा है, यहाँ पे सर साइड में। ओपन करिए मुंह को, छोड़ें, फिर से ओपन करें, छोड़ दीजिए। ओपन कर दीजिए तो छोड़ देंगे, आप ढीला छोड़ देंगे। बस सांस लें, छोड़ें। राइट वाला ठीक है, लेफ्ट वाला शॉर्ट लग रहा है मुझे आपका। भी ऐसे लगता है कि टेबल नीचे टच हो रही है। बैठ के बताइए कैसे टेलीफोन टच होती है, कैसे बता रही हैं आप? जैसे मैं बैठती हूँ मुझे ऐसे फील होता है कि ये जो लास्ट वाली हड्डी है वो नीचे टच होती है जमीन में, तो ऑकवर्ड सा फील होता है। ढीला छोड़ देंगे, ढीला 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 ढीला, थोड़ा आगे मुड़ जाइए, पीछे आएंगे। बस सांस लेंगी, छोड़ें। बस ढीला 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 सांस लें, छोड़ें। उल्टा लिखी, सांस लेंगी, छोड़ें। फिर से लें, छोड़ें। फिर से लेंगे सांस, छोड़ें, छोड़ेंगे 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 छोड़ें। आखिरी बार छोड़ें, छोड़िए। लेग ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है, थोड़ा सा ही फर्क है, लेफ्ट वाला ही शॉर्ट है। मतलब प्रॉब्लम करने लायक तो है वैसे, ऐसी बात नहीं है। स्टमक छोटा बड़ा पाँव होने से तो बॉडी तो इम्बैलेंस हो ही जाती है। ये गड्ढा लगता है ऊपर ना आपका, इस वाले पॉइंट पे हड्डी झुकती है, इस वाला पॉइंट पे लगता है। ऐसे दबा रहा हूँ, दर्द है उसमें। सांस लेंगी, छोड़ें। फिर से लें, छोड़ें। फिर से लें, छोड़ें। फिर से लें, छोड़ें, छोड़ें, छोड़ें। एक और छोड़ें, छोड़ें, छोड़ें। हाथ यहाँ रख दीजिए, ढीला छोड़ें, सांस अंदर छोड़ेंगे। फिर से लें, छोड़ें। फिर से लें, छोड़ें। एक और लें, छोड़ें। फिर से लीजिए, छोड़ेंगे। ये जो ऊपर हुआ है उसको फिक्स करेंगे हम लोग। सांस लीजिए, छोड़ेंगे। सांस लेंगी,
छोड़ चला सीधा लेटे ढीला छोड़े सांस ले छोड़ेंगी सांस लें छोड़ें सांस लें फिर से छोड़ें सांस लें छोड़ेंगे सांस लेंगे छोड़ेंगे राइट साइड वाला थोड़ा ऊपर जाइए सीधा करिए सीधा करिए सीधा छोड़ें डीलर डीलर छोड़ें इसको भी सांस लें डीलर छोड़ें 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 बस ऐसे पकड़ो जी डीलर छोड़ें आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे छोड़ें जाएं दूसरी तरफ इस तरह देखिए ऐसे कभी सांस लेंगे छोड़िए बैठी मिलता उस तरफ ये इस एरिया में इस ज़्यादा में इस ठीक है इसको ऐसे रख लीजिए सांस लें छोड़ें सांस लेंगी छोड़ेंगी यहाँ पे भी होता है सांस लें छोड़ें थोड़ा ऊपर आ जाएं बस सांस लेंगे फिर से छोड़ें बस सीधा लेटिए ना भी देखते हैं आपकी उठा लीजिए प्लीज़ थोड़ा सा ऊपर हाथ यहाँ कर लीजिए बीच में रखिए थोड़ा मिदा बीच में बस 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 ये जो है बीच में होना चाहिए ठीक है ना भी ये दिक्कत नहीं है आपको बिल्कुल भी बढ़िया बॉडी इम्बैलेंस की वजह से हो रहा था और प्लस एक चीज़ और है आपके साथ में और बैठ के देखिए जरा चौपड़ी मार के कैसा लग रहा है अब दोनों बैलेंस देखिए बैलेंस ठीक रहे हैं दोनों हिप्स बराबर ऐसे थोड़ा ठीक है दोनों बैलेंस आ रहे हैं अब इनकी इनकी दोनों की चौड़ाई भी बराबर होती है वो बराबर है आपके पास में अगर किसी हिप में इंबैलेंस होगा ना तो ये टिकेगा नहीं ये ऐसे हो जाएगा ठीक है अगर ये दोनों के दोनों टिक रहे हैं और ये दोनों के दोनों बोन आपस में टिक के क्रॉस बनाती हैं इस तरीके का एक सिमेट्रिकल क्रॉस तो हिप में दिक्कत नहीं है आपके ओके ठीक है दूसरा बैठेंगे तब भी बराबर रहेंगे दोनों को मिलाइए तब भी बराबर ठीक है अगर ये बराबर है दोनों टच करते ही हैं अंदर वाला पार्ट जी सर ठीक है और अगर नी आपका नीचे टिका हुआ है ये यहाँ पे क्योंकि खिंचाव होगा तो क्या होगा दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें
ताकि आने वाली नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। और मिलते हैं अगले नई वीडियो में। धन्यवाद।